से कुछ तिलावत करके सुनाता हूं। तिलावत इसलिए कहा गया कि अली को अल्लाह ने जुल्करनैन कहा। जो जिक्र जिक्र अली से जुड़ जाए वो हम पल्ला कुरान हो जाता है। बिला तमीर तकरीर का पहला जुमला तुमने सुनने वालों के हवाले कर रहा हूं, अली वो कुरान है जो नुक्ते में सिमटा है। कल की तकरीर जिनके जहनों में है वो मुझसे अलग हो गया तो मुझे अफसोस रह जाएगा। और नुक्ता पढ़ा नहीं जा सकता जब तक जेर ना हो। जैनब कह रही है मैं पे के नुक्ते का वजीर हूं। दोहराना ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा जुमले और ज्यादा से ज्यादा नतीजे मैं अपने सुनने वालों के हवाले करता चलूंगा। जिसका जिक्र ही कुरान, आपको पता चला ये पांच दिनों से मजलिस नहीं हो रही, कुरान की तिलावत हो रही। ज़ैनब है ना कुरान है और इसी कुरान में फजाइल की कुछ आयतें आपके हवाले करनी। बड़े अच्छे अच्छे आशार आप ज़ोरेज़ भाई से भी सुन रहे थे, परवरदिगार ज़ोरेज़ रिज़वी साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मेरा भी दिल चाह रहा है कि दो चार मिसरे पढ़ता चलूं। उर्दू जबान के नहीं फारसी जबान के, सामान्य शायद यही समझा है क्योंकि चूंकि बीटी है, मस्तूर है, औरत है, बीबी है,
बेटों के वो फजाइल होते हैं जो बेटी के नहीं होते। जनाब सैनब का कसीदा लिखते हुए ये लिखा कि जमाना मेरा पैगाम महफूज करे, जमाना ये न समझे कि अगर बेटी है या पर्दादार है तो फजाई कम है। वो कहते हैं सन भी हो मर्द आफरी में रोजगार, सन भी हो बिंदु जलाल उखल वकार, उसे बीबी और मजदूर कैसे कहो कि मर्दों की बहादुरी शाम के बाजार में जिसकी बहादुरी को सजदे कर रही है। सब हाथ मिलन करके माला करना है। मर्दों की बहादुरी जिसे खिलाज अकीदत में शाम के बाजार में सजदे पेश करे, सन्नी को बिंदु जलाल उखल वकार, उसे बीबी कहो जो अल्लाह के जलाल की बेटी है, अल्लाह के वकार की बहन है। कल एक वाकया आपके हवाले किया था, जरा सी चादर झटकी भूल गया वाकया, अब फिर बोलेंगे तो पता चलेगा ना आपको याद है। सूरज कहां रुका हुआ, कहां रुका हुआ, पहाड़ के पीछे, चादर है क्या, ठीक है ना, एक पोर के बराबर। मैं बाकायदा तहकीक के बाद ये जुमला कह रहा हूं, एक पोर के बराबर चादर है। इसका मतलब है जब तक चादर यूं ना करे, जब तक चादर यूं ना करे तब तक सूरज नहीं निकलेगा। रुका हुआ सूरज क्या मैंने अली की उंगली के इशारे से पलटते देखा, क्या ज़ैनब की चादर से पलटते देखा। मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिए, इसकी चादर का कोई असर है जो अली की अंगुष्ठे मुबारक का। चादर का वही असर है जो अली की अंगुष्ठे मुबारक का है, बीबी की चादर का वही असर है जो अली की अंगुष्ठे मुबारक का है। मौका मैं याद दिला देता हूँ, और बड़ा बेदार, बड़ा संजीदा, बड़ा रजाकार, बड़ा होशियार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, बुजुर्ग नजीब मामा, इनसे खुसूसी दुआओं के तालिबों लेकर गया तो नौजवान भी उससे पूछा जाए तो मुझे अफसोस लगता है कि बस बताना ही है अली की दो उंगलियां क्या है। 39 दिन तक फौज जाती रही, थक गया दरबार हुसैनी भाई तुम सुन के, 39 दिन फौज जाती रही, वापस आती रही। लश्कर कहता था सालार भागा, सालार कहता था लश्कर भागा, अली आए तो उंगलियों से खैबर उखाड़ा, एक दर यूं फेंका, आज तक वापस नहीं आया। बस बताना ये है, अली ने खैबर का दर फेंका, आज तक वापस नहीं आया। ज़ैनब की चादर ने यजीद के महल के दर को ऐसा उखाड़ा, आज तक यजीद नजर नहीं आया। दस्ते खुदा दर आस्ती,
छोरा बैठे हुए छोरा की नजर कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा, उससे बीवी कहूँ जो अल्लाह के जलाल की बेटी है, अल्लाह के वकार की बहन है, उस बीवी के बारे में मैं क्या कहूँ कि जिसके दरवाजे की चौखट मेरी सजदगा है, उस बीवी के बारे में मैं क्या कहूँ जिसकी आस्तीनों में उसका हाथ नहीं अल्लाह का हाथ छुपा। असर भी वही है और जबान का तो है ही वही। अच्छा मैं यहाँ यहाँ एक जुमला अर्ज करता चलूँ बुजुर्गों को जो माजरत करते नौजवानों के लिए कि लोगों ने ये कह दिया कि बीवी ने अली के लहजे में उसको ठीक है किया, मुझे उसमें कोई अतराज नहीं। अरबी जबान में जिसे आप लहजा कहते हैं ना, मेरे बोलने का तरीका, अल्फाज की नशस्त बरखास्त, अल्फाज का जीरो गम, जुमले का उठना बैठना, आवाज़ का बलंद होना, इसे अरबी में लहजा कहते ही नहीं है, इसे अरबी में लुगत कहते हैं। और जिन्हें नहीं याद आया उन्हें बस उतना याद दिला दूँ, महराज से आने पर पूछा गई था नबी से कि किस लुगत में बात की, क्या कहते नबी ने, खाते बनी में लुगत दे अली अपने अभी तालिब, ये तो लुगत है, तो लहजा क्या है? लहजा होता है आवाज का असर, बताना यह था अली की आवाज का जैसा असर था। आज लोगों को बीवी की शिकत में पर्दे के अलावा मिलता ही कुछ नहीं, भाई बिल्कुल ठीक है कि पर्दे को पर्दा करना भी ज़ैनब कुबरा ने सिखाया, ये बिल्कुल ठीक है कि शहजादी की जिंदगी के सबसे बड़े मसाइब पर्दा है, कहने वालों ने कह दिया चूंकि आवाज का पर्दा बनाना, मेंबर से कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खातून की आवाज का गुफ्तगू करने के लिए पर्दा होता ही नहीं है। पढ़ लीजिए सूरह मुबारक अज़ाब में अल्लाह नबी की दौजाओं से कह रहा है कि जो दरवाजे पे आए उससे नरम लहजे में गुफ्तगू न करना, ये नहीं कहा कि गुफ्तगू ही नहीं करना, अगर पर्दा होता तो उम्मतुल मोमिनीन से ज्यादा पर्दादार तो कोई और बीवियां नहीं है ना, तो अल्लाह नबी की अजवाज से कहता भाई किसी से कलाम नहीं करना, कह नहीं नरम लहजे में, इसका मतलब है आवाज का पर्दा नहीं है, ये अली के लहजे में आवाज के पर्दे के लिए नहीं बोली, बताने के लिए बोली है, वो बोल रही है जिसके लहजे में वो बोलता है। पहली मजलिस से हैं वो तो मेरी मदद कर ही सकते हैं, तुम इस उम्मत के, मुझे आपकी आवाज, तुम इस उम्मत के फिर कर नया ना, तो दो खजाने में बता चुका, दो कर्म है हसन और हुसैन, और बीवी है खजाना, कमाल है कि हसन और हुसैन के होते हुए खजाना। अच्छा मैं आहिस्ता से कहूंगा और आप आहिस्ता से सुन लेंगे, हसन और हुसैन के होते हुए खजाना, एक आयत पढ़ी थी मैंने गुज़िश्ता से व्यवस्था तीसरी मजलिस में, और आज और उस आयत को जान के आज की मजलिस के लिए अधूरा पड़ा था, सुनना चाह रहे हो तो मुकम्मल कर दूं, तवज्जो, ये सूरह मुबारक का हक है, अल माल वल बनूना ज़ीनत हयात दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीना, दुनिया की हयात की जीना, और मैंने ये कहा था जिन्हें तकलीर याद है और भूल नहीं गए कि अली बेटी को जीनत कह रहे हैं, तो बताया ज़ैनब मेरी दुनिया की जीनत नहीं है, आखिरत की जीनत है, और अब आयत तलील, अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, वल बाकियात सालिहात, और जो बाकी रह जाने वाले अमल हैं वो आपके रब के नजदीक माल और बेटे दोनों से ज्यादा खैर है। मुसलसल
कल सुनने वाले तशरीफ फरमा और गवाही देंगे कि मैं जिंदगी में पहली बार इस आयत से इस्तदलाल आपके हवाले कर रहा हूँ, और आज से पहले मिंबर से यह बयान नहीं किया जो अब आपके हवाले कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो हो जाए कि मोमिन की माल और बेटे दुनिया की हयात की जीनत है, और अल्लाह कुरान में उसी आयत में कह रहा है बाकियात सालिहात। जाइए जरा उलमा से सवाल करते रहिएगा और अगले साल पहली सफर को बताइएगा। आप पूरे साल का वक्त है, इससे ज्यादा फराख का क्या मुजाहरा था। बाकी आपको सालिहात क्या है? ऐसा अमल जिसका असर बाकी रहे। मसलन इसी मेंबर से आपको सुना चुका हूँ, मुख्तार हाफिज़ साहब के कब्ज़े में जो अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी साहब माज़ल्लाहु मक़ामहु वक़द्दरहु मरकज़ुहु के इशारे सवाब के लिए था, उस मजलिस में हज़रत अबू तालिब का तज़किरा करते हुए मैंने ये कहा था कि बाकियात सालिहात वो अमल होता है जिसका असर बाकी रहे। मैंने अगर बच्चे को नात कहना सिखाई है तो जब तक वो नात कह रहा है इसका अमल मेरे नामा अमल में जा रहा है। अगर मैंने किसी को मातम करना सिखाया है इसका अमल मेरे अमल में जा रहा है। अगर किसी को मजलिस पढ़ना सिखाई है इसका अमल मेरे अमल में जा रहा है। तो अल्लाह कह रहा है माल और बेटे दोनों से ज्यादा बाकियात सालिहात सवाब में भी बड़ा है और खैर भी है। मैं किताबों को लिखना शुरू किया या अली आपके बेटे हसन जैसा, हुसैन जैसा, अब्बास जैसा, अली की आवाज आए तो हमारे हुसैनी बेदार हो जाए तो मुझे बुलाता हूँ इन्नल हसन अल हसनाती, हसन मेरी नेकी है। और मेरी बाकियात सालिहात दिखा दिया है और उलमा से पूछते रहिएगा और सबर करते रहिएगा। ज़ैनब मेरी माँ की आपको सालिहात है, आए मेरे कौन कह रहा है? अब मैं कैसे समझाऊं कि जो अहद करके आ गया है तो मुझे शुक्र ज़ैनब के बजाय में नहीं बोलना, चुगला मैं उसे हदिया कर रहा हूँ। कहना बस इतना कि वो अली कह रहा जिसका हर अमल कयामत तक है, जिसका सिर्फ अमल नहीं जिसकी नस्ल भी कयामत तक है। जिसका अमल कयामत तक जाए, जिसकी नस्ल कयामत तक जाए, जिसके बेटे कयामत तक जाए, हसन से लेकर मादी तक है बेटे। कुरान कहता है कि बाकियात सालिहात इन सब से अफजल है। आज समझ में आया ये 11 की 11 इमामत है ज़ैनब के एहतराम में खड़ी क्यों हो रही है? हमसा खत्म हो गया। इमाम से बड़ा आबिद सरजमीन खुदा पे कोई नहीं होता।
होता है कोई इमाम से ज्यादा इबादत गुजार कोई होता है? अपने नबी में सबसे बड़े, अपने वक्त में सबसे बड़े आबद मेरे नबी, उनके बाद सबसे बड़ा आबद अली। मैं उस कह रहा हूं अगर जुमला जाय हो गया तो पूरी तकरीर जाय हो जाएगी। अली तो इतना बड़ा आबद है कि खुद इबादत है। इमामत कह रही है, अली का बेटा कह रहा है, ये बाकिया तो सालेहात रहा। वादा किया था चूंकि इससे पिछले यहां तक आया हूं, बीबी की एक दुआ एक मुनाजात आपके हवाले कर, और यहीं से आपको ज़ैनब कुबरा की बलागत का अंदाजा हो रहा है। अल्लामा अहमद शुक्र हुसैनी, उनका कल भी हवाला दिया था मैंने तकरीर के आगाज में, दो जिल्दों में उन्होंने किताब लिखी शम्सु तालिया शहजादी की जारी, खुद सैयद सज्जाद में फजाइल पढ़ा और फजाइल जी के रोक से सुनिएगा। दस मुहर्रम को शाम गरीबा हो गए, टाइम चल गए,
तो कहा इतनी बड़ी बात है गुजार है तो उस आलम में भी बीबी ने मुसल्ला बिछाया हुआ है। कहा ना तवज्जो, कहा ना तस्तगीस रब्बा, बीबी अपने परवरदिगार से सरगोशियां कर रही है। जाइएगा खुदा करके बीबी अपने परवरदिगार से जो हवाले देना चाहे मेरे पास आ जाए। अब पूरा हमसा आपके जहन में है और शायद इससे बड़ी फजीलत और इससे बड़ा फसाहत बलागत का नमूना मैं अपने सुनने वालों के सामने पेश ही ना कर सकूं। तवज्जो कीजिएगा। चौथे इमाम कहते मैंने कान लगा के सुना कि पुपी अम्मा कौन सी दुआ पढ़ रहे। मौला ने रिवायत किताबों में दर्ज, अगर आपका दिल चाह रहा हो तो मैं आपको सुना दूं। बीबी दुआ कर रहा है, उस यकीन के साथ कह रहा हूं कि अक्सर समातों से ये बात नहीं कर रहा। उसके सहारे जिसका कोई सहारा ना हो, मैं चैलेंज बहुत अदना और बड़ा हकीर अरबी जबान को जानने वाला हूं, जाके अरबी दानों से पूछिए कि सारी दुनियाएं अरब अगर इस बात का जवाब ले आए और ज़ैनब की मुनाजात जैसा एक जुमला बना के ले आए, ये वैसे ही चैलेंज है जैसा अल्लाह ने कुरान की आयतों के बारे में किया। तमहीद भी आपके जहन में, जुमला और नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। या जुखरा मन ला जुखरा लहू, खुदा के लिए जाया न कीजिएगा, या जुखरा मन ला जुखरा लहू, उसके जखीरे जिसका कोई जखीरा ना हो। कौन कह रहा है भाई जो खुद अली का जखीरा है? सुना चुका सलाम अलैकी या जखीरा तल हैदरिया, आए हैदर के जखीरे आप पर मेरा सलाम, आए उसके सुतून जिसका कोई सुतून ना हो, कोई संभालने वाला ना हो, आए उसके जखीरे जिसका कोई जखीरा ना हो। फकीरों के खजाने, ए गरीबों के दुआ सुनने वाले। अब एक मोमिन बेदार हो जाए और मेरा जुमला महफूज करे और ये अजीब दुआ जो बीबी ने कहा और यहाँ से इल्म का इहाता और बीबी की नजर और बीबी की वसत इल्म का इहाता भी मिलेगा कि ज़ैनब का इल्म क्या है। पलट के कहने लगी ए मेरे मालिक, सजदा का सवाद लैल वज़ोउन नहार वशुआउ शम्स, ए मेरे मालिक वह तभी वहाफी मालिक, तू तो वो है कि रात की स्याही जिसे सजदा करती है, दिन की रोशनी जिसे सजदा करती है, सूरज की शुआ जिसे सजदा करती है, चांद की चांदनी जिसे सजदा करती है, पत्तों की साए साए जिसे सजदा करती है, पानी की कुल कुल जिसे सजदा करती है। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, मुझे एक ही सुनाना है सिर्फ, ये सारी तो तमहीद है। आए वो जिसे रात की बोलने तो बात बनेगी, अब आप स्याही सजदा करती है, दिन की सूरज की शुआ सजदा करती है, चांद की पत्तों की सरसराहट सजदा करती है, पानी की पानी प्यास में निकालते हैं ना एक कुलकुलाहट की आवाज आती है, कुलकुल आवाज आती है, बीबी कह रही है ये पानी का सजदा है। खुदा की कसम अगर ज़ैनब न बताती कायनात को, कयामत तक न पता चलता पानी भी सजदा करता। अल्लाह
मेरे बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करते रहे कि मैं बात पहुंचा भी सकूं और मेरे सुनने वाले वैसे सुन सके जैसे जनाबे ज़ैनब के फिक्र सुनने का हक है। हम है उस अल्लाह की मेरे मालिक तू वो है जिसे रात की स्याही सजदा करती है। जमाना समझ रहा था सूरज ढल जाता है रात आ जाती है, जब तक फजर में आए इबादत नहीं होती। बीबी बता रही है ये स्याही भी सजदा करती है, ये दिन की रोशनी भी सजदा करती है, जो परिंदों का सहसाना भी सजदा करता है, ये पानी की कुलकुल भी सजदा करती है, ये चांद की चांदनी भी सजदा करती है। तवज्जो, मैं एक एक मंजिल पे रुकूं तो दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है और मुझे गुफ्तगू को आज कामिल करके आपके हवाले भी करना है। उसके बाद जितनी दुआ मांगो हर दुआ में आपको इस तरह के फिक्र मिल जाए। पालने वाले तुझे तेरे फलाए इसम का वास्ता, पालने वाले तुझे तेरे फला इसम का वास्ता, पालने वाले तुझे फला इसम का वास्ता, पालने वाले तुझे तेरे फला इसम का वास्ता। अब जो जाग रहा है ना वो मेरे साथ हो जाए और लेकर नौजवान अपनी नजर मुझ पे सीख रखे। बीबी कह रही है इसमें कल लजी फिल आदमी यही ना माना हो। पालने वाले मैं पहले एक जुमला कहूँ फिर बीबी का जुमला सुनाता हूँ। ये क्या है? माइक लफ्ज है ये मानिए, बता रही है ना जुमला हदिया कर रहा हूं। माइक लफ्ज ये मानिए, मिंबर लफ्ज ये मानिए, पानी लफ्ज ये जो गिलास में है ये मानिए। मुझे प्यास लगे और मैं जेब से तस्बीह निकालूं, पानी 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 पानी, खुदा की कसम प्यास बुझेगी नहीं पड़ जाएगी। पता नहीं क्या सुन रहा है जो नौजवान मेरी तारीफ में सर लगा रहा, मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो जुमले आप तक पहुंच जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पानी 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 पानी, आज पांच सफर से लेकर 1445 पांच सफर तक पानी पानी करता रहो। अब बोलेंगे कोई फायदा है? कोई फायदा है इधर वाले? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बीबी कह रहे हो अबे इसमें कस लजी फिर आदमी ये ना माना हो। पालने वाले तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता जो बंदों में तेरे लफ्ज का मानी बन के आया।
وحدت کو جو سنا ہے وہ لفظ ہے یہ معنی ہے جب تک معنی نہ ہو عقیدے بے معنی رہ جاتے ہیں صرف بے معنی نہیں بے ایمانی میں رہ جاتے ہیں میں بندہ یار آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے میں جملے سنتے چلیے اور مجھے بہت تیزی سے اپنے ذکر کو کامل کرنا اللہم بنسبت الذین پالنے والے کون کہہ رہا ہے علی کی باقیات کو صالحات کہہ رہے ہیں شریکت الحسین کہہ رہی ہیں شقیقت الحسن کہہ رہی ہیں نائبت الزہرا کہہ رہی ہیں ثانیہ زہرا کہہ رہی ہیں ملیکت الدنیا کہہ رہی ہے بی بی کا لقب ہے ملیکت الدنیا کمال ہے اگر گھر کا کوئی بیٹا کوئی بچہ بڑوں سے پڑ جائے تو فخر تو بڑوں کا ہوتا ہے نانی ملیکت العرب ہے یہ ملیکت الدنیا زمانے میں وہ لوگ بھی آگئے جو آل محمد سے بڑھ کے کہیں توحید کے طرفدار بنتے ہیں بھائی اللہ نے اسد زیدی کو فیکس کر کے نہیں بتایا تھا کہ توحید کیا ہے اگر یہ نہ ہوتے انہوں نے بتایا کہ وہ کون ہے ہمارا اس سے خدا کی قسم کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے ہمارا کیا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بغیر نہیں میکائیل سے لے کر اسرائیل ان کے بغیر نہیں کائنات کی کوئی حجت ہو اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہی ہے تو ہم سے زیادہ علی کی شہزادی جو علی کی آغوش میں بیٹھ کے دے رہی ہے ایک کہا ہے آگیا نا یار آگیا نا ایک کہا ہے جس زبان سے اس زبان سے دے کیسے کہو اس سے زیادہ توحید کون جانے لیکن اب پھر بھی اپنے سننے والوں کی تسلی کے لیے اور اپنے اس بیدار مجمع کے کھلتے ہوئے چہروں کو اور کھلانے کے لیے دلیل دے رہا ہوں التوحید وہ کتاب ہے جو شیخ صدوق نے پوری توحید میں ہوئی اور معصومین کی حدیث کتاب ہی توحید ہے اور میری آپ کی توحید نہیں جسے ہم توحید سمجھیں بھائی ہو سکتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ توحید کے بارے میں انتہائی غلط ہے کانسیپٹ تو وہی صحیح ہے جو اہل بیت نے دیا ٹھیک ہے نا آپ تو اس کتاب کو پڑھیں اور میرے نوجوان بھائی اور دوست دیکھیں بزرگوں سے معذرت کر کے جملہ کہہ رہا ہوں اس میں حدیث موجود ہے سائل آیا امام کے پاس آ کے کہنے کا مولا اللہ نے کس کس شے کی مخلوق کو خلق کیا کس کس صورت میں لوگوں نے ایسے سوال اہل بیت سے اس لیے کہے ہیں کہ بتانے میں وقت بہت لگے گا وہ آیت ہے نا علی کے پاس کہ علی کی نماز نعوذ باللہ قضا ہو جائے گی کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے انڈے دیتے ہیں تو یہ اسی نوعیت اسی قبیل کا سوال ہے اس نے پوچھا مولا اللہ نے کون کون سی کیسی کیسی مخلوق کا خلق کیا اس کو رکھے کہنے لگے جیسی جیسی تو اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہے میں سوچوں کہ اللہ نے تصور کریے اور تصور کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا کوئی انتہا ہے امیجنیشن تو اب کوئی میدان نہیں رکھتی کوئی سرحد نہیں رکھتی بس بتانا یہ میں سوچوں کہ بدن ہو گھوڑے جیسا سر ہو آدمی جیسا امام کہہ رہا ہے اللہ پہلے بنا چکا میرے سوچنے سے پہلے بنا چکا مزہ کیا ہے میں نے سوچ لیا اور اس نے نہ بنائی ہو تو کیا میں اپنے خالق سے آگے ہو رہا ہوں
वो तो खाली के परवरदिगार है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी मखलूक कोई चीज सोचे और उसने ना बनाई हो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चेहरा है बंदे जैसा, थर है घोड़े जैसा, तो यकीन है ना मलीर वाले को बना चुका है, यकीन है ना बना चुका है। अच्छा, अब जुमला कह रहा हूँ और जुमले की तशरीह नहीं करूंगा, बस कह के गुजर जाऊंगा। मैंने सोचा कि वो कोई ऐसा बंदा बना सकता है जो हो बंदा लगे उसके जैसा, हो अब लगे माबूद काम करे उसके जैसे, हो अबू तालिब का बेटा। बस इमाम ने बता दिया तेरे सोचने से पहले वो अली को ऐसा बना चुका है। इमाम ने क्या किया था, मैंने सोचा कि तेरा कोई बंदा है जो इरादा करे औरत को मर्द बनाए, मर्द को औरत बनाए, किस बात पे बनाया था उसने मुझसे बनाया। हाँ मजलिस मजमा मेरे सामने आप जानते हैं, बस बोलते हो शर्माते हैं। नौजवान मेरी मदद कर फजाइल पढ़ रहे थे हसन मुस्तफा, मेरे मौला फजाइल पढ़ रहे हैं, किसके, अपने बाबा के। अगर मैं इसी जबान पर खड़ा रहूं हौलन फौलन फस्करू माता हमें नियमत व फसले और अपने उन फजाई का तस्करा करूं जो अल्लाह ने हमें दिए, जमाना गुजर जाएगा फजाई खत्म नहीं होंगे। अगर मैं चाहूं तो अली का बेटा होने की हैसियत से शाम को इराक, इराक को शाम, मर्द को औरत, औरत को मर्द, फकामा रजल मिन अल हजर, खड़ा हुआ है खारजी अली का दुश्मन, कहने का यमुना भी तुराब मई अब्दुल्ला जाले ओ अबू तुराब के बेटे, इतना बड़ा दावा कि कौन कर सकता, फल्लादा इमाम इलाही सुजरात चलाल में देखेगा तुझे मर्दों के मजमे में आते शर्म नहीं आए। उसने किया है बरसरे आम अली के फजाइल का इनकार, मैं उसी दिन समझ गया दुश्मन के दरबार में अली के वली अहद ने फैसला कर दिया, खबरदार अली के फजाइल में शक न करना, कम अज कम इंसान की मर्दानगी चली जाती है।
कि बीबी है शकीकतुल हसन। मैं आपको जुमलों के बाद नतीजे नहीं, हर जुमले में नतीजा दे रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। पता सब बहुत आए करते भाई हजरत हो जाए तेरी मिसाल मिंबर है, आप फर्श अदा पर, मैं मिंबर पर हूँ और मिंबर के तकाजे मलहूज खातिर है और मेरी आवाज दूर तक घरों में भी जा रही है, मेरी माए बहनें भी सुन रही है बहुत, और शौहर की नजर कर रहा हूँ ये जुमला बीबी का। कहने लगी तेरी मिसाल उस जने कोहबा की है। जिसे ये पता ही नहीं उसने चंद सिक्कों की झनकार में खो क्या दिया। ऐसे ज्यादा तर्जुमा मैं कर नहीं सकता, मददगार आपको साहब। तेरी मिसाल उस जने को होगा कि जिसे ये पता ही नहीं, दुआ पूरी कर लो, हाँ तकलीफ खत्म हो गई। वाले वाले मुझे वास्ता है तेरे उस जो तेरे बंदों में, ये सारे फिक्र अपने नाना और अपने बाबा के लिए फरमाए, जो तेरे बंदों में तेरी सिफात का मानी अल मुरद बिल के बिरिया व नूर व अजमत। अभी खत्म हो गई ये सफर का महीना, कौन सा महीना इसके बाद? सब इत्तेफाक है ना, किसी कोई और तो नहीं। अच्छा, रबीउल अव्वल का चांद नजर आएगा तो दरबारे हुसैन के दाएं बाएं से आपका आवाज़ आने लगेगा, काली कमली वाला आ रहा, काली कमली वाला आ रहा, काली कमली वाला आ रहा, काली कमली वाला आ रहा। खुदा की कसम अली की बेटी ने राज खोल दिया। सुनेंगे क्या राज खोला? रिदा, कमली को रिदा कहते हैं। ये इस तरह की एक चादर जो सरकार दौलत बिला तस्बीह अपने दोषे मुबारक पे रखते थे, या ये चादर दोष पे रहती थी? हाँ जवान तो मेरे साथ रहने तो मुफ्त में कर लेता, या ये चादर दहेज पे रहती थी या खून दहेज पे रहता था? रिसालत कौन सुना है जहमत के सुबह? जिंदगी जिससे जिंदगी कर्जे में लेती है, सलावत भेजे सरकार की जात पे बुलंद आवाज से। मैं दुआ दे सकता हूं, अजर तो उस गरीब मां को देना है अल्लाह। ज़ियारत नाहिया का एक जुमला पढ़ के कहा है ना मेरे इमाम ने, लब किया
बदलन तमाए तमन। ऐ मेरे जद हुसैन, मैं आपके आंसुओं के बदले पर्दा गैबत में खून बहा रहा हूँ। अपनी आवाजों को आजाद कीजिए, आजाद। ये चीख मार के रोना जैनब की तमन्ना है, ये सीनों पे हाथ मारना मेरी शहजादी की तमन्ना है, उसकी तमन्ना है जिसके हाथ पसे गर्दन बदे। ख्वाब में एक आलिम ने मेरे मौला को देखा, काए मामे जमाना आपने ज़ियारत नाहिया में कहा है आप खून रोते हैं, वो कौन सा गम है जो आपको खून रोलाता है। मौला, क्या वो अकबर के सीने की मर्जी है? सुनो क्या दादा, क्या जवाब दिया मेरे का, अगर आज अकबर होते तो मेरे साथ उस चादर को रोते। का मौला, क्या वो अब्बास के बाजू हैं? आज अगर अब्बास भी होते तो उस गम पे मेरे साथ खून बहाते। का मौला, के वो 13 जरबों से हुसैन का गला कट जाना है? का अगर हुसैन भी होते तो आंसू बहाते। का मौला, वो कौन सा गम है रो के अमामा उतार के मेरे इमाम ने चेहरे पे मातम करके कहा कर ज़ैनब का बेपर्दा बाजारों में फिराया जा। गया लुटा हुआ काफिला मदीने, फुपियों को छोड़कर मेरे चौथे इमाम ने मदीने के बाहर खैमा लगाया। खैमे से बस एक आवाज आती थी, वाह हिजाबा, वाह गुरबता। किसी पूछने वाले ने पूछने पे बीमार ने ये बताया था, मौला कब तक लहू बहाइएगा? का इब्ने मंजर, तूने इंसाफ तो नहीं किया? बता, अगर कोई गैरतमंद बेटा हो, शराबी का दरबार हो, माए बहने पे मखना पे चादर हो, और मैं मनहून हाथ का इशारा करके बीवियों के नाम लेता हो, बेटे को करना माता तो क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के कहते मौला गैरत का तकाजा है, मर जाएगा। मेरे मौला ने उठ के मातम करके कहा हाय सज्जाद, शाम से जिंदा। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय मोहम्मद बाकर आए बाबा। बाबा मदीना पहले कौन सा आबाद है? बाबा बाबा आप घर चलिए। सैयद सज्जाद ने कहा बेटा बाकर, उस घर में वो चीजें हैं जो मुझे खून रुलाती। मैं बाबा की मसनद देखता हूं तो रोना आता है, चचा की कुर्सी देखता हूं तो रोना आता है, असगर के झूले का मकान देखता हूं तो रोना आता है, अकबर का हुजरा देखता हूं तो रोना आता है। दौड़ के आए, जनाब ज़ैनब से मशवरा किया, हुसैन की मस्नद को लपेट दिया, अकबर की कुर्सी को हटा दिया, अब्बास की मस्नद को लपेट कर एक हुजरे में ताला लगाया। आगे कहने लगे बाबा, जो बातें खून रुलाती थी ना बाबा, अरे मैंने उन्हें छुपा दिया। अच्छा बाकर, क्या छुपा दिया? का हुसैन की मस्नद हटा दी, गाजी की कुर्सी हटा दी, अकबर की मस्नद हटा दी। क्या बाकर, वादा करो ना, मैं जब घर जाऊंगा मेरी निगाह ज़ैनब के सर पे रखूंगा। लुटा हुआ काफिला आया तो सबसे पहले मेरी शहजादी नाना की कब्र पर आया। ना जाने मैं कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे सुनेंगे? चराग बुझा दिए गए। जब चली थी ना मेरी शहजादी तो सैयद सज्जाद राह में बैठ गए थे।
मोहम्मद हनफिया ऐलान करते चले, हटो हटो रास्ता छोड़ो, अली की बेटी आ रही है, देखा एक ज़ईफ रास्ते में है, कहे ज़ईफ तूने सुना नहीं, बाला खड़े हुए का चचा हनफिया तूने भी ना पहचाना, अब जो पढ़ के गले लगाया चीख निकल गई का चचा रिश्ता नाना की कब्र पे आके मरसिया पढ़ा, मगर अब जब रात ढली कनाते लगाई गई, अली की बेटी माँ की कब्र की तरफ चली, जो सफर से आता है ना वो सौ आते सफर लाता है, ज़ैनब ने खूब